आओ जल्दी। ठीक है। ठहर गुलाबिया। अब माई, माई तुम तो सो रही थी ना? गुलाबिया, तुम्हारी माई की जगह है हम। हमारा ही दाना पानी बंद करवाओगी का समाज में? मजबूर ना करो गुलाबिया कि हम कछु कहें। चुपचाप ये सामान इधर रख और दोबारा कभी हमारे घर में ना आना। अरे पर मौसी हुआ का है? अरे ऐसा क्या कर रहे तुम लोग? अरे कौन सा गलती हो गया हमसे? अरे दरबार का बंद करे, हमको भी तो खेलने दो ना। अरे हमारी बात तो सुनो। अरे हुकुम, इतना कछु होने के बाद भी समझ नहीं आया? इतने आओ हम समझाते हैं। हमें साफ साफ कहा गया है कि तुम्हारे परिवार की मदद छोड़ो और साथ खड़े भी दिखे तो परिणाम हमारी पीढ़ियां भुगतेंगी। माफ करना गुलाबिया, तुम बेटी जैसी हो, बेटी नहीं हो। जे ध्यान रखो और जाओ। किसी ने देख लिया तो परेशानी खड़ी हो जाएगी। पर मौसी, पंचायत में तो हमें सजा मिली थी कि हम राय नहीं डाल सकते, कोई हमारी मदद नहीं कर सकता, ऐसा तो कछु ना कहा गया था। पंचायत खत्म होने के बाद हम सब से तुम्हारी सरोज ठकुराइन देवी ने तुमसे दूर रहने का आदेश दिया था और उसके बाद भी ठकुराइन देवी की तरफ से कछु लोग आकर पूरे गांव को धमका कर गए हैं। तुमसे रिश्ता रावण की बहन से रिश्ता माना जाएगा। किसने धमकी दी थी? हमने धमकाया है। माई, 7 जन्मे हम, ऐसे कैसे भूखे मरने छोड़ दे हम इसे? अब की बार ले जाने दो, अगली बार और कोई रास्ता ढूंढ लेगी गुलाबिया। रहने दो मौसी। हम तुम्हारे लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं करना चाहते। चलो माई, चलो। हम जानते हैं कि तुम बहुत जोर से कोशिश कर रहे हो अपने आंसू रोकने की, लेकिन माई तुम तो मत टूटो ना। तुम ही तो हमारी ताकत हो, तुम हमारा साथ दोगी ना?